राहुल गांधी काम का नहीं है, पप्पू है। वो पप्पू जाके निप्पू बोल गया, निप्पू बोल तो फायर। राहुल गांधी काम का नहीं है, पप्पू है। वो पप्पू जाके निप्पू बोल गया, निप्पू बोल तो फायर। राजस्थान के नायब वज़ीर आला वो कांग्रेस लीडर सचिन पायलट CWC मीटिंग के लिए हैदराबाद आए हुए हैं और आज उन्होंने दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और चादर पेश की। इस मौके पर इनके हमरा हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद फेरोज खान, माइनॉरिटी लीडर अब्दुल्ला सोहेल और कांग्रेस वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और फेरोज खान कांग्रेस इंचार्ज हल्के असेंबली नामपल्ली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुखालिफ कांग्रेस ने राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा। कहा कि राहुल कोई काम का नहीं है, वो पप्पू है और आज आप सब देख सकते हैं कि ये पप्पू निप्पू हो चुका है। निप्पू एक तेलुगु वर्ड है और इसके मायने इंग्लिश में फायर के होते हैं। फेरोज खान ने कहा कि पप्पू फायर है, इसे पप्पू मत समझो। फेरोज खान ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मीडिया के सवाल के जवाब में ये बात कही। पेश है इस खसूस में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के कुछ झलकियां और साथ ही फेरोज खान के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। देखिए साहब, ये एक प्रोसेस था। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा एक शुरुआत दी कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी के राजा राहुल गांधी के ऊपर कई एलिगेशन लगते थे कि राहुल गांधी काम का नहीं है, पप्पू है। वो एक इतिहास करे बात, वो पप्पू जाके निप्पू बोल गया, निप्पू बोल तो फायर। वहां से कांग्रेस आगे बढ़ना स्टार्ट करा, ये शुरुआत है, आपको बोलना जरूरी है। जब से वो पदयात्रा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव हुआ, कैडर में एनर्जी आई और जो कॉमन मैन था उसमें एक होप आया, भरोसा आया कि अगर से हिंदुस्तान को अगर से कोई संभाल सकती तो वो कांग्रेस पार्टी है। आजादी लाने वाली कांग्रेस, तेलंगाना लाने वाली कांग्रेस, जब पिन नहीं बनता था, डेवलपमेंट करने वाली कांग्रेस। और उसी सिलसिले में कल जो CWC की मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में हुई, इतनी मैसिव सक्सेस हुई, इतना बड़ा सक्सेस। बीजेपी की मीटिंग हुई परेड ग्राउंड, MIM की मीटिंग हुई हॉकी ग्राउंड, कांग्रेस की मीटिंग हुई तुक्कुगुड़ा, बीजेपी की मीटिंग फ्लॉप, MIM की मीटिंग अटर फ्लॉप, कांग्रेस की मीटिंग सुपरहिट। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, जो वादे बीजेपी करी, जो वादे TRS और BRS करी, जमीन के ऊपर उसको अमल नहीं करी। खाली नौकरियों का जिक्र करे, चंद को दिए। डबल बेडरूम का जिक्र करे, चंद को दिए। दलित बंधु का जिक्र करे, चंद को दिए। माइनॉरिटी लोन बोले, चंद को दिए। इसी तरीके से डेवलपमेंट काम भी नहीं हुआ तो आज आवाम को जब जाके कांग्रेस पार्टी समझा रही, जो तेलंगाना सरप्लस स्टेट था आज उधार का स्टेट बन गया। 4,00,000 करोड़ रुपए तेलंगाना पे उधार है। पैसा गया कहां? आप लगाए किधर? कालेश्वरम बोल के वो 40,000 करोड़ का है, उस पे लगाए कितने KCR साहब? आप 1,50,000 करोड़। मिशन भगीरथा है कितना? 20,000 करोड़ का। आप लगाए कितना? 80,000 करोड़। प्राणहिता चेवेल्ला है कितने का? 10,000 करोड़ का। लगा रहे कितने? 40,000 करोड़। KCR आपके जेब से पैसे देते या केटी रामाराव देते? जो भी पैसा है आपका और हमारा, टैक्स पे का मनी है।
आज आके आप बोलते हम वेलफेयर स्कीम दे रहे। अरे केसीआर, तेरे बाप के पैसों में से दे रहा तू? अरे केटीआर, तेरे ससुर के पास से लेके दे रहा तू? पब्लिक का पैसा तू पब्लिक को दे रहा? मगर बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बोला तू, बनाया किसको सोने का? तेरा खानदान सोने का बन गया ना? तुमने जो 1% या 1.5% जो वेलमा कौम है, तुम लोग करोड़पति बन गए ना? आज तो पहले से हम गरीब थे, आज भी गरीब है।